सो हेलो गाइस, सो गाइस आपने अभी जो स्क्रीन पर वीडियो देखा उसी टाइप का आज हम स्टेटस क्रिएट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप अच्छे से स्टेटस बनाना सीख पाओगे। ओके गाइस, और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके गाइस, और गाइस मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप उस मटेरियल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइस, सो गाइस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही वाला अलाइट मोशन आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पे मैं आपको इस वाले अलाइट मोशन की लिंक दे दूंगा। ओके गाइस, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। सो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके सो गाइस, जैसे आप अलाइट मोशन ऐप को ओपन करो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पे प्लस के साइड में देख सकते हो प्रोजेक्ट का ऑप्शन देख सकते हो, तो प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना, देन बिट मार्क प्रीसेट को ओपन कर लेना। ओके, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको जो मैं एक्सएमएल फाइल देता हूँ वो ऐड करते नहीं आता तो वो एक्सएमएल कैसे ऐड करते हैं करके मैंने एक पहले से एक वीडियो बना रखा है चैनल पे, तो उस वीडियो को जाके आप एक बार देख लेना। ओके गाइस, सो गाइस इतना करने के बाद अपने को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और ये देख सकते हो इमेज एंड वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद व्यू एल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने को कुछ फोटो सिलेक्ट करना है। तो आपको फोटो की लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लो। ओके गाइस, तो इस फोटो को सिलेक्ट करना है, देन प्लस पे क्लिक कर देना है, ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन में जाने के बाद फुल स्क्रीन कर लेना इस तरह से, देन इस वाले एरो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बिट पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सो आगे का पार्ट ये होता है वो रिमूव हो जाएगा। ओके गाइस, देन फिर से प्लस पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू एल पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे अपने को नेक्स्ट फोटो को ऐड कर लेना है। सो फाइनली मैंने इस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लिया और देन प्लस पे क्लिक कर देना, ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना। ओके, देन फिर से इस वाले एरो पे क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है वो आगे का रिमूव हो जाएगा। सो गाइस इसी तरह से आपको सभी फोटो ऐड कर लेना है, सो मैं एक साथ आपको सभी फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ। ओके गाइस, थोड़ा सा वीडियो को मैं स्किप कर देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो बीट के हिसाब से जैसे बीट मैंने लगा के रखे थे वैसे ही फोटो को एडजस्ट कर लिया हूँ, तो आपको भी बीट के हिसाब से सभी फोटो को ऐड कर लेना। ओके, तो फाइनली मैंने यहाँ पे सभी फोटो को ऐड कर लिया, इसी तरह से आपको सभी फोटो ऐड कर लेना। ओके, फोटो को ऐड करने के बाद गाइस अपने को यहाँ पे इफेक्ट को ऐड करना है, तो शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। सो उस प्रीसेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन इस वाली फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बार और कॉपी इफेक्ट कर लिया हूँ। कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर से अपने को यहाँ पे इसे ओपन कर लेना। सो ओपन करने के बाद अपने को यहाँ पे इधर स्क्रॉल करना है और ये फोटो देख सकते हो इस वाले नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये फोटो है, तो इस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, थ्री डॉट में जाने के बाद पेस्ट इफेक्ट कर लेना, तो ये लग जाएगा इफेक्ट देख सकते हो। देन नेक्स्ट फोटो में भी सेम प्रोसेस करना है। ओके गाइस, तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इसे भी पेस्ट कर लेना है और जो बिल्कुल छोटी फोटो की लेंथ है उन फोटो में कुछ नहीं करना है, जैसी वैसे ही रहने देना। देन फिर से जो लंबी फोटो की लेंथ है उस वाली फोटो में आना है, इफेक्ट में आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने पर पेस्ट कर लेना है। तो इसी तरह से आपको सभी में कर लेना गाइस, मैं भी कर लेता हूँ। देख सकते हो जो छोटी फोटो है उनमें नहीं करना है और जो लंबी फोटो है तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाने के बाद इसे पेस्ट कर लेना है, फिर से नेक्स्ट फोटो में आना है, इसी तरह से आपको सभी में कर लेना है। तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको सभी में करके दिखाता हूँ। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडिटिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा। बस आप प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना गाइस, वीडियो को आपके सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना, सपोर्ट करो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडिटिंग वीडियो लाते रहूँगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो गाइस, क्योंकि मैं वहाँ पे जो भी मतलब यहाँ नया नया करता हूँ वहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना गाइस। और मटेरियल फोटोज़ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, इसी तरह से आपको सभी फोटो में ऐड कर लेना फ्रेंड्स। तो मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा सभी फोटो में ऐड करके दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि देख सकते हो मैंने सभी फोटो में इसको कर लिया, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना, पेस्ट कर लेना, इसी तरह से मैंने सभी फोटो में कर लिया। अब इतना करने के बाद अपने को यहाँ पे एक PNG को ऐड करना है, तो उस PNG को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले तो प्लस पे क्लिक करना है और एक ये शेप वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, देन ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसे फुल स्क्रीन कर लेना है, कलर फिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना अच्छे से। तो गाइस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो फोटो के हिसाब से। ओके, देन इस तरह से मैं इतना ही रहने देता हूँ। देन इस वाले ब्लैक वाले कलर पे क्लिक करना है, देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से डाउन कर लेना है।
सो ये इतना इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अपने को PNG को सिलेक्ट करना है। ओके, तो प्लस पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, वीवेल पे क्लिक करना है, PNG को सिलेक्ट कर। सो गाइस PNG को सिलेक्ट करने के बाद प्लस पे क्लिक कर देना है। सो PNG को सिलेक्ट करने के बाद मूवी ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाना है। इस वाले ऑप्शन में जाने से कुछ छोटी कर लेना है इस तरह से, देन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हो, बट मैं इतना ही एडजस्ट कर लिया हूँ। इतना करने के बाद अपने को अब यहाँ पे एंड पोजीशन वाले एंड तक आ जाना। ओके, तो मैं यहाँ पे एंड में आ चुका हूँ। देन इधर देख सकते हो फोटो और जो बैकग्राउंड का ऑप्शन, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, इस तरह से क्लिक कर देना है, बैकग्राउंड आ चुका है एंड तक। देन फोटो पे भी क्लिक करना है तो फोटो भी एंड तक आ जाएगी। सो गाइस वीडियो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, मैं थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब।